हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ आपने पैन कार्ड करेक्शन करवा रखा है तो आपके भी साथ भी इस तरीके का मैसेज आता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर पैन कार्ड nsdl.com से आपने ऑनलाइन किया है, हमने ऑनलाइन किया है, तो आपने भी अगर nsdl से किया है तो आपको क्या करना है, इस पेज का डायरेक्टली लिंक मिल दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड न्यू या चेंज के क्वेश्चन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है उसको फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहे हैं इस कैप्चर्स को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज आता है कि योर रिक्वेस्ट पैन कार्ड चेंज रिक्वेस्ट पैन डाटा कैन नॉट बी प्रोसीड टू अंडर होल्डर। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपको क्लियरिफिकेशन देखना पड़ेगा आपको इस नंबर पर दे करके। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारा ये पैन कार्ड ये होल्ड हो चुका है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, NSDL के अकॉर्डिंग, और हमारे पास एक रिसिप्ट भी आई है मेल आईडी पर, उस पर लिखा हुआ है कि हमें क्लियरेंस देना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स आपने पैन कार्ड पहले था उसमें आपने क्यों चेंज करवाया है, कैसे किस वजह से चेंज करवाया है आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर इस तरीके का मैसेज आता है तो आपको यहाँ पे इनके कॉल सेंटर नंबर दिए गए हैं, इस कॉल सेंटर पे आपको एक बार कॉल कर लेना है। कॉल करने के बाद अपनी डिटेल्स को वहाँ पे प्रोवाइड कराना है, अगर आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पे एनएक्जरी का फॉर्म आएगा, गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है, जो कि बहुत ही काफ़ी मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं और दोस्तों ये कह लीजिए कि आप बनवाना चाहें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। जैसे आप फादर नेम चेंज करवा रखे हैं या डेट ऑफ बर्थ या आप अपना नाम चेंज करवा रखे हैं तो वहाँ पे क्लियरेंस देना पड़ेगा कि आप किस वजह से अपना जो है पैन कार्ड में करेक्शन करवा रखे हैं। दोस्तों, मैंने वहाँ पर NSDL पे बात किया तो मेरे अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग बताया गया है जो भी आपके डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो डिटेल्स हैं आप करेक्शन करने क्लियरेंस देना पड़ेगा, आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि आपका डाटा क्यों चेंज हो रहा है। तो मैंने उस बताया अपना मेरा डाटा पहले से पैन कार्ड बना हुआ था, मुझे यह जानकारी नहीं थी कि पैन कार्ड में मेरा डाटा यह है और आधार कार्ड में ये है और भी जो भी डॉक्यूमेंट में ये है। तो आपको मुझे उन्होंने बताया कि जो भी डिटेल्स है अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसान तरीके से नाम चेंज, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बात किया, उन्होंने बोला कि आप ये टोकन नंबर लिख करके और यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उसके स्कैन करके आप PDF में मेल कर दिए, जिससे कि आपका पैन कार्ड दोबारा से जो कनेक्शन वाला है वो करेक्शन होके चला है। तो इस तरीके से आपको अभी अगर इस तरीके प्रॉब्लम शो होता है तो आपको कुछ भी दोस्तों नहीं करना है, आपको इन कॉल सेंटर नंबर पर बात करके अपना जो भी प्रॉब्लम है बता देना है। वहाँ पर हमने बात किया और वहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि हमें गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए, लेकिन दोस्तों जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है वो जो कि कोई भी मार्कशीट हो हाई स्कूल की अगर है तो वो A1 ऑफिसर के अकॉर्डिंग पब्लिश की जाती है, इसलिए जो भी मार्कशीट है उसे मांगी गई है, मार्कशीट को स्कैन करके हमने अपलोड किया और हमारा इस तरीके का जो प्रॉब्लम था उसको दूर कर दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, आप भी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो पैन कार्ड से रिलेटेड या आधार से रिलेटेड आप कमेंट करिएगा, हम उसका जरूर सॉल्यूशन बता देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।